चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केएस स्टडी ग्रुप। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द गिवन फिगर एल एम एन आर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाई ए ट्रांसवर्जन पी एट एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब यहाँ पे हमें दे दिया गया है कि जो हमारे एल एम और यन, ये दोनों तीनों क्या हैं, पैरल लाइन एक दूसरे के। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रांसवर्जल लाइन दिया गया है, ट्रांसवर्जल लाइन पी दिया गया है। अब पी ट्रांसवर्जल लाइन हो गया, दैट मीन्स ये पैरल लाइन को काट रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे हमें एक्स वाई और जेड दे दिया गया है, और यहाँ से हमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 का वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें एक एंगल दे दिया गया है, एक एंगल कितना दिया गया है, 50 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ से हमें तीनों एंगल हमें फाइंड करना है एक एंगल से। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला स्टेप हमारा रहेगा, अगर यहाँ पे 50 डिग्री दे दिया गया है और यहाँ पे हमें एंगल फोर की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी कौन सी लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब स्ट्रेट लाइन के यहाँ पे लीनियर पेयर बन गया है। अगर यहाँ पे दो एंगल है तो क्या कर देंगे, 50 डिग्री प्लस 4 एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 15। अगर जब यहाँ से एंगल फोर की वैल्यू आ जाएगी, अगर जो एंगल 4 की वैल्यू आएगी वही हमारा एंगल 1 की वैल्यू आएगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जो एंगल 4 की वैल्यू आएगी वही हमारा एंगल 1 की वैल्यू आएगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड अंदर की साइड है और एक बाहर की साइड है, एक ही साइड में है। ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 4 और एंगल 1 दोनों इक्वल हो गया। अब एंगल 1 की वैल्यू निकल गई जो एंगल 4 की वैल्यू आई थी। अब एंगल 1 को हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एंगल 2 है। अब ये भी कौन सा बना रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। तो हमारे जो एंगल 1 की वैल्यू रहेगी वही हमारे एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ से देखें जो हमारी एंगल 1 की वैल्यू रहेगी वही हमारी एंगल 2 की वैल्यू हो गई। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 2 की वैल्यू जो रहेगी वही हमारे किसकी वैल्यू हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि एल पैरेलल एम पैरेलल एन, इसके बाद पी इज ट्रांसवर्सल लाइन, पी इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने बताया कि लीनियर पेयर बन जाएगा, तो यहाँ पे जो लीनियर पेयर बनेगा तो 50 डिग्री प्लस एंगल कौन सा है, एंगल कौन सा है, यहाँ पे 4 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर है। अब यहाँ से हमने निकाल लिया एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50। अब इसको जब माइनस कर देंगे हम तो एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। अब हमें एंगल 4 की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 130 डिग्री मिल गई। अब अगर हमें एंगल 4 की वैल्यू 130 डिग्री मिल गई, अब इसके बाद जो एंगल 4 की वैल्यू होगी वही हमारे एंगल 1 की वैल्यू होगी बाई द रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, क्यों, क्योंकि बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 डिग्री। जो हमारी एंगल 4 की वैल्यू रहेगी वही हमारे एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका तो हमारा एंगल 1 निकल आया। अब एंगल 1 के बाद हम क्या देखेंगे, एंगल 1 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 2 का। अगर यहाँ पे हम देखें एंगल 1 और एंगल 2 को, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है, तो हमारे क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा एंगल 1 की वैल्यू आएगी वही हमारा एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ से हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू 130 डिग्री। अब यहाँ से हमें एंगल 2 की वैल्यू मिल गई। अब जब एंगल 2 की वैल्यू मिल गई तो हम कौन से एंगल देखेंगे, एंगल 3 देखेंगे। अब जो हमारा एंगल 2 की वैल्यू आएगी वही हमारा एंगल 3 की वैल्यू आएगी, क्योंकि हम देखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या है, वर्टिकली अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ से हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू 130 डिग्री।
तो यहाँ से हमारा एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री हमारे वैल्यू निकल आई। तो एंगल वन 130, एंगल टू 130, एंगल थ्री 130 और एंगल फोर हमारा भी 130। तो हमारे तीनों एंगल निकल आया। तब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री इक्वल टू 130 डिग्री। अब यहाँ से हमें एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री इक्वल टू 130 डिग्री। 14 क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर गिव रीज़न वाई इज यल वन पैरेलल यल टू एंड यम वन पैरेलल यम टू। अब यहाँ पे हमें दे दिया गया है फिगर और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो यल वन और यल वन किसके पहले है, यल टू के पहले हमें शो करना है, रीज़न देना है उसका हमें, और यम वन यम टू के पहले उसका भी हमें रीज़न देना है क्यों पैरेलल है। अब इसको हम कैसे देंगे, क्यों पैरेलल है ये, इसको देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने सबका नेमलिंग कर लिया। अब इसके बाद अगर हम मान लें कि हमारा यम वन, सपोज़ हमारा यम वन और यम टू हमारी पैरेलल लाइन है, अगर ये हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो जाएगी, यल वन और यल टू ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारी यल टू ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और यम वन और यम टू हमारा पैरेलल लाइन है और यल टू हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारा जो यन क्यू आर ये वाला जो हमारा एंगल रहेगा और हमारा जो क्यू आर एस वाला एंगल यानी 130 डिग्री रहेगा, वो क्या हो जाएगा, करस अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, हम बताते हैं आपको। ये अगर ये हमारी पैरेलल लाइन होगी, मान लो ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई और इसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, अब यहीं इसका ये हो गया और यहाँ पर 130 डिग्री हो गया और यहाँ पर ये हो गया, ये क्या बन रहा है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है। अब जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है, अगर हम इसको इसकी वैल्यू निकालें, हम क्या करेंगे 180 माइनस 130 करेंगे, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर इसकी एंगल हमें निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री करेंगे। अब फिर जो ये हमारा आ जाएगा, हमारा जो वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स कोई वैल्यू आ गई, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे क्या हो जाएगा प्रूफ, अगर वही वैल्यू हमारा यल वन और यल टू को हमें सपोज पैरेलल मानने पर, हमारा अगर हम यहाँ पे देखें, अगर जब हम यल वन और यल टू को पैरेलल मानेंगे, अब इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो जाएगी, यम वन और यम टू ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अगर यम वन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा यम, अब यहाँ पे हम कौन सा एंगल लेंगे, यम पी एस, दैट मीन्स ये वाला एंगल लेंगे, हम यम पी एस एंगल ले लिए। अब जो हमारा ये वाला एंगल रहेगा वही हमारा कौन सा एंगल रहेगा, वही हमारा ये वाला एंगल रहेगा, क्यों, बाय द रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट मीन्स हमारा ये वाला एंगल इसको पहले लेने पे ये वाला एंगल और उसको पहले लेने पर हमारा ये वाला एंगल दोनों सेम हो गया। अगर जब सेम हो जाएगा तो हम ये प्रूव कर देंगे, हम ये लिख देंगे हाँ हमारा यल वन पहले यल टू है और यम वन पहले यम टू है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा सपोज हमारा यम वन और यम टू पहले लाइन है, तो सपोज यम वन पैरेलल यम टू, अब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई, यल वन एंड यल टू इज ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब जब यल वन और यल टू ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, हमने कहा था आपको ये एंगल निकालने के लिए, अब यन एंगल यन क्यू आर, अब यहाँ से हम देखेंगे एंगल यन क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री बाय द रूल ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल यन क्यू आर, एंगल यन क्यू आर हमें निकालना है, तो यहाँ पे यन क्यू आर क्या हो जाएगा, यन क्यू आर एंगल यन क्यू आर हम लिख देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, अब यहाँ से एंगल यन क्यू आर आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, अब इसे जब माइनस करेंगे वहाँ 50 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पहली बार हमने क्या लिया था, यम वन और यम टू को पहले लिया था, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज यल वन पैरेलल यल टू, जब हमने यल वन पैरेलल यल टू लिया है, अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, जब हमने यल वन और यल टू को पैरेलल लाइन ले लिया, अब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो गई, यम वन और यम टू ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, अब यहीं पे हम लिख देंगे यम वन एंड यम टू इस ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब जब यम वन और यम टू ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, अब यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा ये हमारा एंगल हमें मिल गया 50 डिग्री मिल गया। अब अगर हम यहाँ ये वाला एंगल देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाय द रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल यम पी एस,
एंगल एम पी एस इक्वल टू एंगल एन क्यू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल एन क्यू आर इक्वल टू 50 डिग्री। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो एन क्यू आर और हमारा एम पी एस दोनों को जो हमने दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। यानी हमने जब एल वन और एल पहले एल टू लिया तभी हमारा 50 डिग्री आया, और जब एम वन पहले एम टू तभी हमारा 50 डिग्री आया। तब यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लिख देंगे दैट देयर फोर एम वन पैरेलल एम टू, और यहाँ पे देयर फोर क्या लिख देंगे, एल वन पैरेलल एल टू। तो आपका ये आंसर कंप्लीट होता है।